अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर कुछ खाने ऐसे जिसको खाए बिना ज्यादातर लोगों का जीवन अधूरा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छोले भटूरे, पूड़ी, सब्जी, फिर चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो या वेजिटेरियन हो। कुछ लोग ये भी कहते हैं अरे तला हुआ नहीं खाना चाहिए, विरोधी भी हैं, लेकिन ज्यादातर इसको खाए बिना नहीं रह पाते। और वैसे भी हम भी खाते नहीं है ज्यादा, पर कभी कभी खा लेना चाहिए, क्योंकि जो शरीर में जबान है उसकी ख्वाहिशें कभी कभी पूरी कर देनी चाहिए, क्योंकि किसी दिन उसी जबान ने आपके साथ खेल लिया तो चौराहे पर पटक के मारे जा रहे होंगे। क्योंकि जबान ही तो है, अगर आदमी की जबान सही हो जाए तो अच्छा खासा जीवन तो वैसे ही सुधर जाए आदमी का। तो आज हम चलेंगे और खाएंगे कपूरथला के छोले भटूरे, क्योंकि ये दुकान बहुत पुरानी है और यहाँ पर बेहतरीन क्वालिटी का भटूरा मिलता है, वो भी सबसे सस्ता, क्योंकि 10 रुपए में जो भटूरा ये देते हैं शायद ही लखनऊ में 10 रुपए का उतनी बेहतरीन क्वालिटी का भटूरा मिलता है। तो खैर, हम चलते हैं और खाते हैं छोला भटूरा। तो बातों में ना रह जाए हमारे सपने अधूरे, चल के खा लेते हैं छोले भटूरे। तो चलिए मेरे साथ। दोस्तों, ये है कपूरथला चौराहा। ये कहाँ पर है, इसके लिए हमारा डंडैया वाला वीडियो आया था, आप वो देख सकते हैं, उसमें हमने अलीगंज भी दिखाया था। तो यहाँ तक हम आए थे, यहाँ से आप देख सकते हैं, तो अब हम इधर से चल रहे हैं और ये है सहारा टावर। इसके अलावा एक हमारा और अलीगंज में वीडियो आया था, आंचलिक विज्ञान नगरी, वो भी आप देख सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा ये देखिए, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं, ये ज़बरदस्त इलाका है। तो आज हम आपको ये छोले भटूरे तो खाने आए हैं, उसके अलावा ये सा इलाका भी हम आपको दिखा दे रहे हैं लखनऊ का। और इसके अलावा दोस्तों, हम आपको बता दें कि एक तो ये चैनल है जिस पर आप ये बड़े व्लॉग देख रहे हैं, हमारा एक और चैनल है एजाज़ के मिनी व्लॉग, उसमें एक मिनट के अंदर के व्लॉग होते हैं, वो आप सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा एजाज़ की बात एक चैनल है जिसमें कि कॉमेडी वीडियो रहते हैं, उन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इन सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में हैं, तो वीडियोज़ भी देख लें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम चल रहे हैं, ये मस्जिद है यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, यहाँ से ये रास्ता आती है, इधर से भी जा सकते हैं भटूरा खाने, लेकिन हम आगे से चलेंगे। और आगे यहाँ पर उसके पर जो नगर निगम का ऑफिस है, उससे पहले देखिए ये भी एक ग्लोब की दुकान है चाय की, लखनऊ में कई सारी इनकी ब्रांच हैं, देखिए ये है ग्लोब। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं, आगे नगर निगम का ऑफिस है, वहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे और वहाँ पर खाते हैं छोला भटूरा, जहाँ काफ़ी बचपने से हम खाते आए हैं, काफ़ी फेमस है। तो देखिए ये निकल गया नगर निगम ऑफिस, अब यहाँ पर ये रास्ता आइए, यहाँ से हम चलेंगे और इसके अंदर जा कर के थोड़ा हल्का सा आगे जाएंगे, लेफ़्ट मुड़ेंगे और आ जाएगी वो दुकान। वैसे तो वीरेंद्र नाम है, लेकिन कपूरथला वाले छोले भटूरे के नाम से ही लोग पहचानते हैं कपूरथला में, क्योंकि मिलते हैं और ये क्वालिटी में भी ज़बरदस्त होते हैं और सस्ते होते हैं। तो चल रहे हैं अब हम, देखिए यहाँ पर आ चुके, ये नगर निगम का ऑफिस है और यहाँ पर ये इनकी दुकान है। तो यहाँ पर हम बाइक को अभी ठिकाने लगा देते हैं, फिर अंदर चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर टोकन लेना पड़ता है, पहले आप टोकन लेंगे उसके बाद ही आपको सामान मिलेगा। तो अब हम पहले चलते हैं इसके अंदर, ये इनकी दुकान मिल रही, यहाँ पर दही बड़े भी मिलते हैं, कई सारी चीज़ें, दही बड़े, पूड़ी, उसके अलावा छोले भटूरे, कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो मिलती है, पानी वगैरह। तो यहाँ से हम पहले टोकन ले लेंगे। तो टोकन लेते ही हमारे पिताजी का फेवरेट रसगुल्ला उन्होंने पहले ही निपटा दिया है और यहाँ पर बन रहे हैं, आपको दिखाते हैं आगे, ये बन रहे हैं भटूरे और छोले। और यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, वो बातें कर रहे हैं, उनके सुनते हैं वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि अनुभव है काफ़ी बचपने से लोग आ रहे हैं, तो सुनते हैं उनको। इसीलिए तो आए हैं यहाँ पर, काफ़ी समय से हम लोग पहले भी आते हैं ना यहाँ पर, बहुत बचपने से, तभी हमने कहा आज ये दिखाते हैं। हाँ, सबसे सस्ता मिलता है यहाँ। ये है दही बड़ा, इसको निपटाएंगे। पहले हमने ले लिया है छोला भटूरा, अब भटूरा काफ़ी मुलायम होता है, ज़बरदस्त होता है इसको खाने में, तो पहले हम इसको निपटाते, आहा खाया मज़ा आ गया है, तो इसको निपटा लेंगे। फिर इसको निपटाने के बाद हम चलेंगे दही बड़ा खाने, छोले भटूरे के बाद अब चलते हैं बड़ा खाने। इनको टोकन दे दे रहे हैं दही बड़े वाला, कुछ लोग दही बड़ा भी कहते हैं, दही बड़ा भी, तो जो अपने हिसाब से समझ लें। तो हमने ले लिया है दही बड़ा, इसको खाएंगे। फिर यहाँ के कर्मचारी भी काफ़ी पुराने हैं, उनसे भी बात करेंगे, ग्राहकों के साथ साथ कर्मचारी भी काफ़ी पुराने हैं, तो उनसे बात करेंगे, वो कुछ बताएंगे। ये आप यहाँ काम करते हैं, कितने समय से काम कर रहे हैं? आपका क्या नाम है?
रमेश जी आप 25 साल से काम कर रहे हैं, समझ सकते कितना भरोसा जुड़ा है यहाँ से कर्मचारियों का, ग्राहकों का। तो अब दही बड़े के बाद चलते हैं पूड़ी खाने, हमने पूड़ी का भी टोका लिया होता, इनकी पूड़ी भी 10 रुपए की एक होती है और ज़बरदस्त पूड़ी भी होती है। तो हम जल्दी से अब पूड़ी ले लेते हैं क्योंकि भटोरा और दही बड़ा निपटा दिया। अब ये मत कहना मीठा बाद, हमारा मन हम जब खाएं, हमने दही बड़ा खा लिया, अब खाएंगे हम पूड़ी। तो पूड़ी हमने ले ली है, तो इन्होंने हमें 2 पूड़ी दी है, तो जल्दी से निपटाते हैं इसको भी। तो पिताजी हमारे पहले पूड़ी खा रहे हैं, हम वीडियो बना रहे हैं क्योंकि एक जन वीडियो बनाएगा तभी तो आप देख पाएंगे। तो अब हम खाते हैं, तो पिताजी हमारे वीडियो बना रहे हैं और हम हाथ से चाट चाट के खा ले रहे हैं पूड़ी। यहाँ पर हमने अब खा भी लिया है और यहाँ पर और भी दुकान है, मतलब जिनको पता हो यूपी के अंदर खाने के बाद जो लोग सुट्टा पीते हैं और जो लोग चाय पीते हैं उनको खाने के बाद सुट्टा चाहिए और चाय वालों को चाय चाहिए। तो यहाँ पर हम चलते हैं चाय पीने, पहले आपको और भी दिखा देते हैं फिर चलेंगे आगे चाय पियेंगे। देखिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़ी दुकान है इनकी, यहाँ पर भी सब राशन अंदर है, यहाँ पर बन रही, और यहीं से हम आगे चले जाएंगे ग्लोब में चाय पियेंगे। तो चाय पीने से पहले आगे चलकर वहाँ पर पानी मिल रहा है, तो पानी यहाँ से ले करके पी सकते हैं, और भी आप चाहे तो उनकी दुकान से भी ले सकते हैं, लेकिन ये बेच रहे तो हम यहाँ से पी लेंगे पानी। पानी जब तक के ये निकाल रहे, देखिए यहाँ पर ये दुकान है और देखिए लोग यहाँ से सिर्फ दुकान के अंदर ही नहीं खाते, यहाँ पर और सुट्टा चाय जो मिल रही है उसके खाने के बाद और दुकानें भी खुलनी है, सुबह का वक्त है, तो इस तरह से लोग लेते हैं और खाते हैं। देखिए ये पूरा, ये आप देख सकते हैं कपूरथला के पास जहाँ पर छोले भटूरे मिलते हैं, ये नज़ारा। अब हम चलेंगे यहाँ से और हमारा जो मकसद है चाय पीना वो ग्लोब की चाय पीते, जैसे हमने पहले आपको बताया कि ग्लोब के कई ब्रांचेज है। अगर आपने हमारा लालबाग वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी हमने आपको दिखाया था, वहाँ पर पिया था इनकी। ये यहाँ पर हम आ चुके हैं अब ग्लोब में, तो इनसे यहाँ से हम चाय निकलवाएंगे और चाय पियेंगे। 18 रुपये की एक चाय थी इनकी, लेकिन ज़बरदस्त चाय होती है इनकी। तो यहाँ से हम चाय पी लेंगे क्योंकि छोला भटूरा हमने खाया होता जैसा हमने बताया। देखिए ये हम जब रास्ते से आ रहे थे ये था ग्लोब और अब हम खड़े हैं इसके अंदर चाय पी रहे हैं। अच्छा खाने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए ऐसा लोग कहते हैं, कभी कभी हम ट्राई भी करते हैं, लेकिन पी लेंगे यार चाय, भटूरा भी तो खाया है। वीडियो में हमने पहले आपको दिखाया इस रास्ते से चलेंगे जहाँ पर बन रहा था, तो अब हम इस रास्ते से आ करके यहाँ चाय के मज़े ले रहे हैं, सामने से भी वो रास्ता है। तो वक्त आ चुका है सेल्फी ले ले ज़रा, आखिर इतनी दूर से आए हैं चाय पी रहे हैं ग्लोब की, सेल्फी ले लें। ग्लोब की लखनऊ में आप जाएंगे तो लगभग अब इन्होंने कई दुकानें ब्रांच खोल दी हैं, तो क्या कहने इनकी चाय के। हाथ में कैमरा पकड़कर चाय पीने में समझ नहीं आ रहा, कैमरे में देखें कि चाय पिए, तो पहले चाय पियेंगे हम। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, और वीडियो कैसा भी लगा हो कमेंट में लिखकर बताएं। तो हम जल्द आएंगे इंशाल्लाह वापस। अल्लाह हाफिज़।